टू स्टार्ट न्यू चैप्टर एट इज मैटर्स. जी आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, यू हैव टू रीड दिस टॉपिक बाई योर सेल्फ. मैटर मैटर इज बेसिकली किससे बना होता है, एटम से बना होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये आपके आसपास हर जगह पाया जाता है, आप इसको ईजिली देख सकते हैं. मैटर हर वो चीज़ है जिसके अंदर कोई ना कोई जो चीज़ जिसके अंदर मास है, जो कोई स्पेस को क्रिएट करती है, जो जगह को घेरती है, वो चीज़ में क्या है जी, मैटर. उसके अंदर मैटर है, ठीक है जी. मैटर ब्रॉडली कवर्स करता है लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है जी. इसकी एग्जाम्पल्स आपके पास क्या है, वाटर है, विंड है, ट्रीज़ है, माउंटेन एक्सेट्रा, तमाम चीज़ें जो जगह घेरती हैं उनका क्या है जी, मैटर है, उनका मास है. हर वो चीज़ जिसके अंदर मास होगा वो क्या कहते हैं कहलाएगी जी, मैटर कहलाएगी. इसके अलावा मैटर क्या है जी, उसकी फोर जनरल स्टेट्स स्टेज होती है मैटर्स की. स्टेट्स ऑफ मैटर्स कौन सी हैं वो पता है जी, सॉलिड है, लिक्विड है, ग्लास है, प्लाज्मा. प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर. इसके अलावा बहुत से स्टेजेस हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग फोर्थ स्टेज को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना. ईच स्टेज चेंज एट डिफरिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर. हर स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है डिफरेंट टेम्परेचर पर और जगह पर जाकर, ठीक है जी. आप इसके बारे में पढ़ेंगे, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर हम सबसे पहले सॉलिड को, गैस को और लिक्विड को हमने पढ़ा. जिस तरह अगर हमने पानी लिया है, पानी को हमने बॉयल किया है, तो जब ऑयल बॉयल करके उसके ऊपर से क्या कहते हैं वो स्ट्रीम सी आती है, वो कौन सी फॉर्म आ जाती है उसकी जी, वो गैस फॉर्म में. लिक्विड था, लिक्विड हमने किसको कन्वर्ट कर दिया जी, गैस फॉर्म में कर दिया. आपने सेम पानी लिया, पानी को अपने फ्रीज करते फ्रीज़र में रखा, वो आइस बन गया, तो वो कौन सी फॉर्म होगी जी, उस सॉलिड फॉर्म में आ गया. तो दिस मीन्स आपने उसके तीन स्टेज को वहीं पर कर लिया. अच्छा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं वो हम पढ़ेंगे. उन प्रॉपर्टीज़ में क्या है, उसको आपने कैसे मेजर करना है, कैसे देखना है वो कैसी हैं, वो आपको यहाँ पर हार्डनेस. सबसे पहले क्या है जो उसमें आएगा, उसमें हार्डनेस आएगी कि मैटर की एक फॉर्म में क्या है, हार्डनेस है कि वो चीज़ हार्ड होगी. अगर वो चीज़ हार्ड है और उसके ऊपर स्क्रैच आ रहा है, वो उसके ऊपर कोई स्क्रैच आ रहा है, किसी चीज़ से निशान आ रहा है, जब उसको किसी दूसरी चीज़ से निशान उसकी चीज़ें उसके ऊपर निशान लगाते हैं, तो दिस मीन्स कि वो चीज़ क्या है जी, उसकी हार्डनेस है, वो ज़्यादा हार्ड है. ये मैटर की क्या होती है जी, फॉर्म है, जिसमें कि आयरन बॉल है, पेंसिल है और डायमंड है. ये क्या है जी, मैटर हार्डनेस की खास एक टाइप है. इसमें क्या है कि अगर इन चीज़ों के आप ऊपर किसी चीज़ से स्क्रैच लगाएंगे तो उनके जो स्क्रैच जोन्स है वो आ जाएगा. दिस मीन्स के ये चीज़ें क्या है, हार्ड है, ठीक है, अपना निशान छोड़ती है. डायमंड फॉर एग्जांपल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. डायमंड जोन्स है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है. डायमंड को किसी चीज़ का रगड़ेंगे तो वहाँ पर निशान ये छोड़ेगा, ठीक है जी. इट इज़ द हार्डेस्ट बिकॉज इट्स कार्बन स्ट्रक्चर. ऑन द कंट्री अदर कार्बन सब्सटेंस सच एज लेड इन अ पेंसिल आर मच सॉफ्टर एंड ब्रेकेबल इन एट थिन लेयर्स. अब आपको पता है जो लेड होता है पेंसिल का सिक्का होता है, वो ज़्यादा जल्दी तोड़ा जा सकता है बनस्पत के दूसरी चीज़ों से, ठीक है जी. देन है स्ट्रेच. इंडोनेट्स द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सपोर्ट ऑफ लिफ्ट हैवी वेट्स विदाउट हार्मिंग इटसेल्फ. अच्छा जी, अब ये क्या है, बहुत हैवी चीज़ों का ये उठा सकता है, मैटर जोन सा, ठीक है. इसमें क्या है, स्ट्रेच होता है कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि खुद को नुकसान पहुँचाए बगैर दूसरी चीज़ों को क्या करता है, जिनका दूसरी चीज़ों का वेट जोन से बर्दाश्त कर सकता है. अब इसमें एग्जाम्पल क्या है जी, गोल्ड की, ठीक है जी. प्योर गोल्ड जोन सा हम लोग लेते हैं, ठीक है. इसकी 24,000 है फॉर एग्जांपल. इट इज़ इन अ क्वाइट वीक फॉर्म. इट कैन बी मोल्डेड बाय द यूज़ ऑफ अ हार्ड. देयरफॉर ज्वेलरी कैन मेड बाय मिक्सिंग अ पोर्शन ऑफ अ कॉपर अ हार्ड सर्फेस टू गिव स्ट्रेंथ टू गोल्ड एंड शेप अ क्राफ्ट ज्वेलरीज जी. अब गोल्ड कौन सा है, मतलब कि उसको हम लोग जब उसको किसी ज्वेलरी का सेट है, ये गोल्ड है, और बाद में ज्वेलरी का सेट किस तरह का बना है, तो इनको लिफ्ट अप किया जाता है, इनको बाद में एक निशान दिया जाता है, इनको बाद में क्या कहते हैं उस तरह करने के लिए, इनको एक उस शेप में लाने के लिए इसमें बहुत सा कॉपर को मिक्स किया जाता है ताकि ये उस शेप में आ सके, ठीक है जी. इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी होती है कि इसकी वजह क्या है जी, ये इलेक्ट्रिसिटी की इनसे बहुत ज़्यादा होती है, ये ईजिली स्ट्रेच हो जाते हैं, आप इनको ईजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है जी. अब इसमें क्या, ये स्ट्रेच हो जाते हैं, इनलोगेट हो जाते हैं, अपनी जगह से ज़्यादा उनका पुल बैक कर सकते हैं, ईजिली खींच सकते हैं, ठीक है जी. और बेस्ट बात होकर जितना मर्जी उनको स्ट्रेच कर लेंगे वापस अपनी उसी पोजिशन में आ जाएंगे, ठीक है जी. एंड ऑब्जेक्ट कैन कंप्रेस एंड स्ट्रेच ड्यू टू द हैविंग द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये क्या है जी, आप जितना मर्जी स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे आप उसको वापस कंप्रेस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. रबर बैंड इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस. रबर बैंड जो है उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, ठीक है. जब उसको जितना कंप्रेस करना चाहते हैं कंप्रेस करते हैं, जितना उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं उसको स्ट्रेच करते हैं, वापस अपनी उसी जगह पर बाद में आ जाता है. मेल्टिंग पॉइंट,
बाद में क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट है टेम्परेचर का. आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर का क्या है, विच ऑब्जेक्ट चेंज आ सॉलिड स्टेट टू अ लिक्विड फॉर्म. जहाँ पे कोई भी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आता है, फॉर एग्जांपल जब आपने आइस लिया, आइस को बाहर निकाल के रखा, तो उसका क्या होगा जी, मेल्टिंग पॉइंट होगा जहाँ पे वो आके मेल्ट हो जाए. क्लासिक एग्जांपल ऑफ सॉलिड आइस, आइस आइस की सबसे बड़ी एग्जांपल है, बिलो 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर बिलो होगा तो वो क्या होगा जी, मेल्ट ही होगा. व्हेन हीट स्टार्टेड टू मेल्ट अ टेम्परेचर राइजेज, दिस इज़ व्हाई रश अप टू ईट एन आइसक्रीम कोन ऑन अ हॉट हॉट समर डेज बिफोर इट्स. आपको पता है कि जब हम सर्दियों गर्मियों में आइसक्रीम या आइस हम कोशिश करें जल्दी से खा लें, किससे पहले कि वो मेल्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए. ठीक है, सॉलेबिलिटी. उसके अलावा क्या है जी, सॉलेबिलिटी है इसमें कि चीज़ों में इजिली सॉल्व हो जाता है. इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बींग सॉल्वेंट और मिक्सिंग इन टू अ लिक्विड. टेक ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल इन अ सॉलेबल वाटर. यू कैन टेक ग्लूकोज विद वाटर व्हेन यू फील लाइक योर एनर्जी हैज़ ड्रेन्ड और ऑन अ ह्यूमिडिटी डे. चीज़ें आपको देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हम ऐसा ग्लूकोज लेते हैं, ऐसा वो जूस लेते हैं, उसको पानी मिक्स करते पीते हैं, जिससे हमारा एनर्जी लेवल जो है वो ठीक होता है. दिस मीन्स कि इसमें क्या कहते हैं, जो मैटर है, मैटर है आपका लिक्विड जो है वाटर मैटर में, उसमें ईजिली चीज़ों को सॉलिबल कर सकते हैं. अब ये नेचर किसमें है जी, ये ग्लूकोज में है जो कि वाटर में मिक्स हो जाता है. उसके अलावा ये पाउडर फॉर्म जितनी चीज़ें होंगी वो मिक्स हो जाएंगी. लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आर सॉलिबल इन द वैरायटी ऑफ अदर लिक्विड्स. यू विल इनकाउंटर देम इन योर लेबोरेटरी. आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते करते कौन सी चीज़ें जो है सॉरी आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पर. आप शुगर लें, आप सॉल्ट लें, आप जूस ले लें, कोई भी सारी चीज़ लें, उनको मिक्स करके देखें कौन सी चीज़ कितनी देर में मिक्स होती है, किस तरह से मिक्स होती है. ठीक है जी. देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. आपने बहुत सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी होंगी. आपके घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे टीवी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, टोस्टर है, एयर कंडीशनर है, और आयरन है. ये तमाम चीज़ें किसमें आती हैं, जितने भी आपके होम अप्लायंसेस हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आते हैं. हम ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को लेते हैं, जो कि गुड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ईजिली ट्रांसफर हो जाती है और दूसरी जगह को जाकर हीट को ट्रांसफर करती है, वो क्या कहलाते हैं जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहलाते हैं. दो सब्सटेंस दैट डू नॉट ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी वेल और ईजिली आर नोन नोन एज इंसुलेटर्स. वो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं जी, इंसुलेटर्स कहलाते हैं. दिस इज़ व्हाई मोस्ट ऑफ द मशीनरीज और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर मेड ऑफ मेटल. इसलिए बहुत सारी चीज़ें बनी होती है किसकी बनी होती है जी, मेटल की बनी होती है. मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हीट कंडक्टिविटी. ऑब्जेक्ट डेट ट्रांसफर हीट रेडली आर नोन एज हीट कंडक्टर्स. वो जो ऑब्जेक्ट जो हीट को कंडक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, हीट कंडक्टर्स कहलाते हैं. और जो वे एज डेट डज नॉट ट्रांसफर हीट आर नोन एज हीट इंसुलेटर. और जो हीट को ट्रांसफर नहीं करते वो क्या कहलाते हैं जी, इंसुलेटर्स कहलाते हैं. मेटल्स में सबसे एक अच्छी एग्जाम्पल है इसके, जो कि हीट को ट्रांसफर करते हैं. अदर हैंड पर मटीरियल सच एज वुड और रबर आर पुअर हीट कंडक्टर और हीट इंसुलेटर. लेकिन रबर और जो रबर है और वुड है वो क्या जी, इंसुलेटर्स हैं. नाउ यू हैव टू कम्प्लीट दिस वन एक्टिविटी द ट्रू फॉल्स. Fill in the blanks and MCQs of this topic and send me the picture of your book.